हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पीरियड मिस होने के पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, आपको क्या रिजल्ट आ सकता है और क्या चांसेस है कि आपको रिजल्ट जो है एक्यूरेट आता है, और कितने टाइम पहले करने से जो है आपको एक्यूरेट आता है, और जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही वक्त और सही तरीका क्या है। तो आज वीडियो में जो है मैं डिटेल में आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं का ये कमेंट आता है कि उन्होंने जो है उनका पीरियड मिस होने के पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले किया, या फिर जिस दिन पीरियड मिस हुआ उस दिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, बट जो है रिजल्ट उनको एक्यूरेट नहीं मिला, या फिर उनको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसे पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और जो है आपको रिजल्ट कितने टाइम पे एक्यूरेट मिलता है, इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपका प्रेगनेंसी जो है आपका कंसीव कब होता है और कैसे जो है वो प्रेगनेंसी आपका आगे बढ़ता है और कब तक जो है आपको एक्यूरेट जो है रिजल्ट है वो मिलता है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि आपका जो पीरियड लास्ट जो आपका लास्ट जो आपका पीरियड जाता है, जो आपका पीरियड हुआ होता है, उसके बाद जब आपका ओवुलेशन पीरियड का टाइम होता है, ओवुलेशन डेज में जब आप रिलेशन बनाते हैं, फिर जो है आपका अंडा जो है फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद जो है आपका एम्ब्रो जो अंडा है आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए जो है आपके यूट्रस तक पहुंचता है, फिर आपके यूट्रस के लाइन में आके इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, वहाँ पे चिपकने की कोशिश करता है। तो जब आपका यूट्रस में जो है आपका एम्ब्रो जो आपका अंडा जो है आपका सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है, मतलब सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होकर प्रेगनेंसी आगे बढ़ सकती है। अगर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो जो है वो प्रेगनेंसी वहीं पे जो है टर्मिनेट हो जाती है और प्रेगनेंसी जो है आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अब आपको रिजल्ट कब मिलेगा या फिर आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो है कब तक आपका होता है। आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो है, अब जैसे आप मान लीजिए प्रेगनेंसी आपका प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपका आपने आपका जो पीरियड आपका जाता है, फिर आपका ओवुलेशन डेज आता है, फिर आपका ओवुलेशन डेज में आप जब रिलेशन बनाते हैं सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो आपका इम्प्लांटेशन से लेके नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड पीरियड डेट होता है वो पूरा 1 हफ्ते का होता है, 6 से 7 दिन का जो है दोनों के बीच गैप होता है, मतलब आपका इम्प्लांटेशन से लेके आपके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड। तो जब मान लीजिए अगर आप पीरियड आने के पहले चेक करते हैं तो पीरियड के कितने दिन पहले आपका इम्प्लांटेशन होता है, 6 से 7 दिन पहले जो है आपका इम्प्लांटेशन होता है। बट ये तब बोल रही हूँ जब आपका जो है पीरियड रेगुलर है, अगर जिनका पीरियड रेगुलर है, नॉर्मल है, ऑन टाइम आता है, उनके लिए है। बट जिनका पीरियड रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, उनके लिए जो ये जो टाइम है, ये जो डेट है, ये जो दिन है ना, उनके लिए वेरी करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपका लेट मान लीजिए आपका पीरियड आता है, एवरी टाइम आपका पीरियड लेट आता है, तो आपका पीरियड लेट हुआ, आपका ओवुलेशन लेट होगा, आपका फर्टिलाइजेशन लेट होगा, आपका इम्प्लांटेशन लेट होगा, तो जो है सब सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे लेट होंगी। लेट होने की वजह से जो क्या होता है कि फिर आपको जो है रिजल्ट भी लेट ही आने वाला है, क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ है। तो अब अगर आप जल्दी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो तब तक जो है आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकता है। अब बात करती हूँ कि आपका जो इम्प्लांटेशन मान लीजिए 6 से 7 दिन पहले आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो गया है, अब जैसे इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, अब धीरे धीरे जो है प्रेगनेंसी में बनने वाले जो हार्मोन्स है वो आगे आगे बढ़ने लगेंगे और जो नए नए बनने लगेंगे, तो एसजी का लेवल जो है वो एसजी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब आपका किट जो है एसजी लेवल से ही आपका जो है डिटेक्ट करता है कि आप प्रेगनेंट है या फिर नहीं है, क्योंकि आपके यूरिन में जब एसजी का लेवल हाई होगा वो तभी जो है आपका किट डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर आपका आपका जो किट में जो है अगर एसजी का लेवल अगर आपके यूरिन में अगर एसजी का लेवल नहीं इतना मिलता है तो आपका किट जो है उसे एक्यूरेटली प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर आपका जिस दिन पीरियड आपका मिस होने वाला है उसके 2 दिन पहले अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया, 2 दिन 3 दिन पहले, तो चांसेस ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, चांसेस है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि सारे महिला को जो है बॉडी अलग अलग होता है, अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। कभी कभी क्या होता है किसी किसी महिला का जो है एसजी का लेवल जो है थोड़ा फास्ट बढ़ने लग जाता है, जैसे वो प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो जाता है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, तो अगर वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। लेकिन जिन लोगों का जो है इतना स्पीड में इतना हाई जल्दी जल्दी हाई नहीं होता है, उनके लिए है कि अगर आप कुछ दिन पहले अर्ली टाइम पे अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो हो सकता है कि आपको निगेटिव रिजल्ट शो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी तक जो है आपका एसजी का लेवल इतना बढ़ा नहीं है कि किड उसे प्रॉपरली डिटेक्ट कर सके। अब
इस केस में एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी ये है कि ना आपको पॉजिटिव आता है ना आपको निगेटिव आता है, आपको क्या होता है कि आपको हल्की लाइन देखने को मिलती है, हल्की गुलाबी लाइन देखने को मिलती है, आपको जो है फेंट लाइन देखने को मिलता है। अब इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हल्की लाइन क्यों देखने को मिल रही है। तो अगर आप अर्ली टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, आइदर आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है उसके पहले या फिर आपका पीरियड जस्ट मिस हुआ है तब कर रहे हैं और आपको जो है हल्की गुलाबी लाइन देखने को मिल रही है, तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव साइन हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। क्यों ऐसा हल्की गुलाबी लाइन आई? क्योंकि आपके बॉडी में जो है अभी इतना एसजी का लेवल हाई नहीं हुआ है कि जो है किट आपको प्रॉपरली डिटेक्ट करके आपको जो है फुल पॉजिटिव दिखा सके। लेकिन इतना निगेटिव भी नहीं है कि जो आपको निगेटिव शो करे, बट आपके यूरिन में जो है एसजी का लेवल थोड़ा पाया गया है, इस वजह से जो है किट हल्का सा डिटेक्ट करता है और आपको जो है हल्की सी फेंट लाइन देखने को मिलती है। तो अगर आप अर्ली टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको हल्की गुलाबी लाइन देखने को मिल सकता है या फिर जो है पॉजिटिव भी रिजल्ट आ सकता है या फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपको निगेटिव रिजल्ट भी शो हो। तो उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट अर्ली टाइम पे कर रहे हैं, आपको अगर पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर निगेटिव आए तो भी आपको क्या करना है कि एक हफ्ते बाद वापस प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके दो चार दिन बाद जो है आप फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार कर लीजिए, अगर तभी आपको पॉजिटिव आता है बहुत अच्छा है, तभी भी नहीं आता है हल्की गुलाबी लाइन आती है तो आपको क्या करना है फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करना है कुछ दिन बाद, चार दिन पाँच दिन बाद, और अगर आपको फिर भी निगेटिव आता है तो एक हफ्ते बाद वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट करें। मतलब आपका पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद आप वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं कंफर्म होने के लिए कि आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। जिन लोगों का हल्की लाइन आती है उनके लिए भी यही है कि उनको वापस से एक हफ्ते बाद या चार दिन पाँच दिन बाद वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए ताकि उनका जो ये लाइन है और डार्क होना चाहिए। अगर आपको हल्की पहले हल्की गुलाबी लाइन आई थी, आपने फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपका जो है लाइन थोड़ा डार्क हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। क्योंकि आपके बॉडी में जैसे धीरे धीरे एसजी का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है आपकी किट डिटेक्ट करके आपको प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट जो है शो कर देगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जिनका पीरियड इरेगुलर है उनको बिल्कुल भी घाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका पीरियड इरेगुलर है, आपका पीरियड वैसे भी लेट आई होगी, आपका ओवुलेशन लेट हुआ होगा, आपका फर्टिलाइजेशन लेट हुआ होगा, आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ होगा, जिस वजह से जो आपको ऑलरेडी आपका पीरियड भी लेट मिस होने वाली है। तो बिल्कुल भी आपको ये एक्सपेक्ट नहीं रखना है कि हाँ पीरियड मिस हो जाएगी तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, अदरवाइज निगेटिव है नहीं। अगर आपको तब तक भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक हफ्ते बाद, दस दिन बाद आप वापस से कंफर्म होने के लिए एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले। अगर तभी भी आपको रिजल्ट नहीं आता है दैट मीन्स हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है। अब बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, नेक्स्ट मंथ वापस से ट्राई कीजिए। और आपको बार बार ये बोलती हूँ कि आपको ओवुलेशन पीरियड में ही जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करना है। ओवुलेशन पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, एग्जैक्टली जिस दिन आप ओवुलेट करती हैं उस दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।